देश प्रदेश पूरे दौर से गुजर रहा है। CAA के लिए कोलाहल है सब जगह, देश में विदेश में। यूरोपियन यूनियन के 751 पार्लियामेंटेरियन में 551 CAA के खिलाफ लोगों ने इच्छा जाहिर की है। वोटिंग तो पार्लियामेंट में नहीं हो सका, यूरोपियन पार्लियामेंट में मार्च में हो। दुनिया भर में हिंदुस्तान के माथे पर कलंक लग गया, भेदभाव वाला कानून। बाबू लालू प्रसाद को अस्वस्थ रहते हैं, बहुत दिन हो गया जिज्ञासा हुई से कहीं जाकर हलचल भेट लें, उनका स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाए क्या हलचल। बिहार की राजनीति में भी काफी भूचाल आया है, यूनिवर्सिटी में हर जगह लड़ाइयाँ चल रही है, संघर्ष चल रहा है। उसके बाद विधि व्यवस्था चौपट हो गई, आर्थिक मंदी हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई। 45 वर्षों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई जितनी बेरोजगारी अभी। चपरासी का पोस्ट निकलता उस पर एम ए PhD दरखास्त देते, दर दर के एक एक पद के लिए लाख लाख पटिशन करता। ये बेरोजगारी की हालत हमारा देश के जितने पड़ोसी मुल्क हैं सबसे हमारा GDP नीचे चला गया, 4.5%। वो भी मोदी जी के इकोनॉमिक्स के मुताबिक, असली इकोनॉमिक्स के मुताबिक 2.5% चला गया। तो इसलिए देश की हालत खराब है, प्रदेश की हालत खराब है। तो इसलिए हम लोग के सामने सिवाय लड़ाई के दूसरा रास्ता है नहीं, संगठन को दुरुस्त करना और संघर्ष करना। यही दो सवाल लेना चाहेंगे।